गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं आपने वो सब के सब सॉल्व कर लिए होंगे। तो 25th जो एमसीक्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या है, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो जो गारंटी गिवन होगी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स वो क्या होती है, इज इट ए करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट और अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। तो जो गारंटी गिवन होती है कस्टमर्स के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, उसे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हम कह सकते हैं कि ये वो लाइबिलिटी है विच मे अकर विच मे नॉट अकर, दैट मे बी इनकर्ड बाई एन एंटिटी डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। तो ये कुछ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आउटकम ऑफ ए पेंडिंग लॉ सूट, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है और वो लॉ सूट उसके फेवर में अगर आ गया तो इट इज़ नॉट लाइबिलिटी, और अगर वो बिजनेस के अगेंस्ट जाएगा देन इट विल बिकम अ लाइबिलिटी। सो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि इट मे अकर और इट मे नॉट अकर। तो जो गारंटी हमने किसी कस्टमर के बिहाफ पर दी है वो किसके लिए दी होगी, कि कस्टमर ने कोई लोन लिया होगा, कोई और कोई ट्रांजेक्शन्स की होगी, उसके अगेंस्ट हमने गारंटी दी होगी कि आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये लाइबिलिटी अकर कब होगी, जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। अगर कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो पेमेंट कर देगा, देन इट विल नॉट बी अ लाइबिलिटी। सो दिस इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पार्ट सी। नेक्स्ट वन इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या है, ये करंट एसेट्स भी है या लिक्विड एसेट भी है। लिक्विड एसेट जो होगा वो मोर रिफाइंड जो होगा करंट एसेट का पार्ट है। लिक्विड मीन्स जिसे हम और जल्दी विद इन डेज कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बैंक में पैसा हमारा पड़ा हुआ है, आप बैंक जाइए, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, ठीक है। जैसे जब भी आप बैंक जाएंगे आपको वो पैसा मिल जाएगा, बैंक आपको डिनाई नहीं कर सकता अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। और अगर आप बैंक नहीं भी जाते हैं, एटीएम्स हैं, तो एटीएम में आप जब मर्जी जाइए तो वहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा। ये बैंक की ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है एटीएम में मनी प्रोवाइड करना। और अगर एटीएम में मनी नहीं होता है, आप एक एटीएम से दूसरे एटीएम में भी जा सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले की एक न्यूज़ थी कि किसी कस्टमर ने बैंक पर सू के ऊपर केस किया है। उनका ये कहना कि जैसे अगर हमारा कम बैलेंस होता है अकाउंट में तो बैंक वाले हमसे चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया। और उन्होंने भी बैंक के ऊपर केस किया है कि अगर एटीएम में सफिशिएंट मनी नहीं है तो हम एटीएम में गए, हमें पैसा नहीं मिला, तो इन दैट केस हम जो बैंक है वो हमें चार्जेस पे करे। तो कैश एट बैंक इज बोथ अ करंट एसेट एज वेल एज लिक्विड एसेट, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन इज 27th, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। रिकॉर्डिंग किसकी की जाती है, ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो आपको पहला मैंने एक कोड वर्ड दिया था IMRCSAC, तो उसमें क्या बताया था, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो हियर आंसर इज, क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 28th में इज ए इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। किस किस को उसके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसने टिम्बर खरीदा 10,000 का, बिजनेस के यूज के लिए इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सोफा सेट
20,000 का टेकन टू हिज होम, उसने बिजनेस से 20,000 वर्थ का जो सोफा सेट वो घर ले गया। इट इज ड्रॉइंग्स, बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी। सेल ऑफ हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000, उसने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस, सो ये वाली ट्रांजेक्शन जो होगी इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। डाइनिंग टेबल ऑफ 15,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज ए गिफ्ट, अगेन ये ड्राइंग्स है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे COD पार्ट में। तो इसमें जो 15,000 का गिफ्ट किया है वो बिजनेस में, जो उसकी शॉप में फर्नीचर पड़ा था वो उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। तो इट विल बी नथिंग एल्स बट ड्राइंग्स, इट विल बी अगेन शोन इन द बुक्स। सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट अ फिनेंशियल करेक्टर, फिनेंशियल करेक्टर की कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो आप सभी ऑप्शंस पढ़ देंगे, तो इसमें जो डी पार्ट आ गया, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, इट इज नॉट ऑफ अ फिनेंशियल नेचर, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। सो हियर आंसर इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। 30th, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है। IMRCSAC, सी क्या कहता है, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। जो भी जो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन, जितना भी हमारी स्टेटमेंट है, जो भी रिजल्ट आया उसे हमने कम्युनिकेट करना है। तो 30th में जो ए पार्ट में क्या लिखा है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस पार्टीज को हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज, इट मीन्स इट इज़ कम्युनिकेटिंग टू देम। तो इसमें ए पार्ट आंसर होना चाहिए। हम बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स, इट इज़ नॉट द लास्ट पार्ट। टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस, ये सब पार्ट हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, बट द लास्ट पार्ट इज कम्युनिकेटिंग, ए इज द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 31 में, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स दे आर आउटसाइडर्स, क्रेडिटर दे आर आउटसाइडर, एम्प्लॉयज आउटसाइडर्स। तो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे आर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है दे आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा यूज किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उनकी जितनी प्लानिंग होगी, जो भी उनके फ्यूचर एक्शन होंगे वो किस पर निर्भर करते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, रिसर्चर्स, जितने भी बिजनेस है हर एक बिजनेस का जो रिजल्ट्स होता है, अलग अलग बिजनेस जो होंगे उन सब का रिसर्चर्स उस पर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मैं अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर की बात करता हूँ, तो रिसर्चर क्या है, रिसर्चर्स ने भी जो बताया कि जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है वो अगले 2 साल तक उसमें ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ नहीं देखी जाएगी। तो ये जो रिसर्चर्स ने क्या देखा, हर एक कंपनी का सेल देखा, सेल को देखा, उनकी डिमांड है कितनी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन से आ गए, रिसर्चर्स, कि अब किस किस कौन से प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है। इस समय आप देखेंगे कई सिटीज़ में डीजल का प्राइस वो पेट्रोल से ज़्यादा हो गया या ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। तो उन्होंने, रिसर्चर्स ने कहा कि आने वाले टाइम में डीजल की जो गाड़ी होंगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी एंड पीपल विल मूव टुवर्ड्स द पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर कर, वो आगे रिसर्च कर कर वो ये जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट अगेन दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स। सो हियर ऑप्शन इज ऑल ऑफ द
अभाव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और नॉट। तो लेंडर्स दे तो एक्सटर्नल यूजर्स, एम्प्लॉयज भी हैं, पब्लिक भी हैं। तो हियर ऑफिसर्स दे आर नॉट द एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में बताया था, और उसमें बताया था कि एसेट्स जो होते हैं दे आर वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट एट द मार्केट प्राइस, सो दिस इज द लिमिटेशन। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, तो दिस इज नॉट द लिमिटेशन, तो बी पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड ओमिशन इन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आ गया, और अगली ऑप्शन इसमें क्या आ रही है हमारे पास, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये भी जो आ जाएगा लिमिटेशन है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको बेसिक्स में मैंने बताया था कि हमारे पास जब अकाउंट्स में होगा हम सिर्फ क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटी को नहीं। मेरे पास बहुत ही बेहतर एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ही बेहतर स्टाफ है, तो ये मेरे बिजनेस का जो एक प्लस पॉइंट है, बट आई कैन नॉट शो दीज फीचर्स इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें जो लिमिटेशन नहीं है वो आ जाएगा एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, यस इट इज ऑब्जेक्टिव। बी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, बाकी सब जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो हियर ऑप्शन इज बी, तो बी जो ऑप्शन है उसे अब टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स इट हैज द क्वालिटी ऑफ। तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किस पर निर्भर है, किस पर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर है और वेरीफाइबल। वेरीफाई मीन्स हम उसके सोर्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेरीफाई मीन्स चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से, तब हम कहेंगे कि इट इज, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, जिस पर भरोसा कर सकते हैं। तो हियर आंसर शुड बी रिलायबिलिटी, इट शुड बी रिलायबिलिटी। कई बार कुछ ऑप्शंस होंगी उनका आपको ऐसे लगेगा कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो बहुत सटल डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए ही बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग अगर वो क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर सकेंगे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको 11th एंड 12th के, जैसे आपको अगर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो स्टिल, आप थोड़ा भी आपका बेसिक्स कमज़ोर होगा आप स्टिल आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एमसीक्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। 37th, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इट मीन्स सेम एंड आर यूज
चेंजेबली गलत है, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली. यस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग हैं. बुक कीपिंग जो होगा इट इज़ एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज ए जो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड बुक कीपिंग इज ए कंपेरेटिवली नैरो कंसेप्ट. सो हेयर ऑप्शन इज बी. तो बी इज द आंसर. 38th क्वेश्चन, अकाउंटिंग इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अभी मैंने बताया. तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है वो ए ही आ जाएगी. अब बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग नहीं है, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं. तो हेयर ऑप्शन इज इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग जो आ जाएगा हमारे पास. विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं करते? सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ हम रिकॉर्ड नहीं करते. तो 39th की का आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन होनी चाहिए, इट इज सी पार्ट. तो हम क्वालिटी ऑफ स्टाफ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40th, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद. बुक कीपिंग किसके साथ कंसर्न्ड है? रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, यस इट शुड बी द आंसर. डिजाइनिंग फॉर सिस्टम्स, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग नहीं होना चाहिए, इंटरप्रेटिंग डेटा नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर है ए पार्ट. इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट. इसके बाद अगली ऑप्शन क्या आ जाएगी? यार एक तो ना बीवी मेरी ना,
41 में क्या था, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप क्या आ जाता है, लास्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या आ जाएगा, बेसिक फंक्शंस जो फिनेंशियल अकाउंटिंग के क्या आ जाते हैं, क्या क्या बेसिक फंक्शन है, कौन सा बेसिक फंक्शन है। इट इज़ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। इंटरप्रेट फिनेंशियल डेटा, असिस्ट द मैनेजमेंट। तो ये जो बाकी के हैं दे आर नॉट द बेसिक फंक्शन। तो फंक्शंस हैं बट द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम। तो पोस्टिंग कहाँ से की जाती है, तो पोस्टिंग जो होती है वो जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली है, तो नेक्स्ट अब हमने जो करना है वो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। और वो जो जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट्स बनाने के जो प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं। सो हियर ऑप्शन इज जर्नल बुक, बी इज द आंसर। देन 44th में क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अब सबके सब ट्रांजेक्शन पढ़ लेंगे, इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो डी है, परचेज अ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज। तो एलसीडी जो खरीदी गई है पर्सनल यूज के लिए, और ये नहीं लिखा कि बिजनेस के पैसों से खरीदी गई है। बाकी का अगर आप पढ़ते हैं, हमने गुड्स को खरीदा रीसेल के लिए, इट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सैलरीज एंड वेजेस पे की एम्प्लॉयज़ को ही हम पे करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑफिस प्रमिसेस का रेंट पे किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो डी पार्ट शुड बी द आंसर, कि हमने एलसीडी खरीदी है पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर कुछ नहीं लिखा आगे तो हम ये अज्यूम करेंगे वो अपने पर्सनल पैसों से किया है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि बिजनेस के मनी से हमने एलसीडी घर के लिए खरीदी है, देन वो हमारा ऑप्शन नहीं होता। 45th में भी ऑल द मोस्ट मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, किसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एलसीडी जो पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, पेइंग द अमाउंट फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट, हियर स्पेसिफिकली लिखा है कि पैसा कहाँ से लिया है, बैंक के पर्सनल अकाउंट से, जो ओनर है प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया है। तो बाकी ऑप्शंस में मशीनरी खरीदी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मशीनरी खरीदी है बेचने के लिए रीसेल के लिए, सैलरीज एंड वेजेस पे किए हैं, तो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो हियर आंसर इज ए पार्ट। तो ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, तो 46 में है, अकाउंटिंग डज नॉट शो द रिलायबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इट इज। तो ये क्या है, बिजनेस की लिमिटेशन है, एडवांटेज है, क्या है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, कि हम जो अपने एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करते हैं अपने बुक्स में, उनको मार्केट प्राइस पर हम शो नहीं करते। सो वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में, विच इज लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन इंटरनल यूजर नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल है, मैनेजर इंटरनल है, एम्प्लॉयज इंटरनल है। तो हियर आंसर इज लेंडर्स। तो लेंडर्स दे आर नॉट द इंटरनल यूजर्स, दे आर नॉट द इंटरनल यूजर्स। 48th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का क्या नहीं है। तो रिकॉर्डिंग 48th में जो लिखा है, रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को हम इग्नोर करते हैं। तो इसमें बाकी सभी में आप देखेंगे क्लासीफाइंग
इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक है, एनालाइजिंग समराइजिंग ऑल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द काउंटिंग. 49th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या है लिमिटेशन अकाउंटिंग की. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट एडवांटेज है, रिप्लेसेस मेमोरी एडवांटेज है, एविडेंस एंड कोड इज एडवांटेज. सो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन इज द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग. तो ऑप्शन इज सी पार्ट. तो सी पार्ट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. तो अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड में मैं आपसे डिस्कस करूं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरअप कर पाएँ. कहीं पर डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ इसको रिवाइज करते चलिए, साथ साथ आप डाउट्स पूछते चलिए ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकूं. और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा, और नाउ जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यू विल फील इंजॉइंग, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, यू विल फील रिलैक्स्ड. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 50, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमिन्ड बाय. मैंने आपको बताया था कि पहले में तीन जो अकाउंटिंग के जो जो मेथड्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वन इज़ अ फिनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, इट इज़ बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स. तो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक क्या क्या है हमारे पास, कौन से हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस, ये भी क्वालिटेटिव है. अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये भी है. तो इसका आंसर जो है इट इज़ बोथ ए एंड बी. तो बोथ ए एंड बी इज द क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो क्वांटिटी, इसमें क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए इट शुड बी मटेरियलिटी. तो मटेरियलिटी जो है ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है. रिलायबिलिटी है, जो हमारी काउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्या है. कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, वो क्या कहता है कि दुकान और दुकानदार, अगर अब इसमें जब मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप सर ज़रा डिटेल में नहीं पढ़ाइए, हम 11 12th के स्टूडेंट्स नहीं हैं. तो अब मेरे प्यारे से अच्छे अच्छे बच्चों, अब मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो कैपिटल इज़, तो ये बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी कैसे होगी. आंसर इज इंटरनल लाइबिलिटी वुड कैसे होगी. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, दुकान और दुकानदार दोनों का वजूद अलग अलग है. बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. स्लेबाई में आप देखेंगे, स्लेबाई में स्पेसिफिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कन्वेंशंस मेंशन्ड नहीं है. आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग गिवन है, आपको जनरल एंट्रीज गिवन है, तो उनमें ये MCQs आ रहे हैं. तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है. तो इसीलिए आपको सब चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, सो दैट अब जब हम MCQs करेंगे यू शुड नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है ना. अब देखिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी रात को अपलोड की थी, और कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे रात को 12:15 भी कई बच्चों को रिस्पॉन्ड किया है. आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर से आप लोगों के लिए तैयारी की जा रही है आपको, ताकि आप लोग अच्छा अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश नहीं बचे जिससे आपके मार्क्स कट हो जाएं, आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए. आप इसमें जो स्टार्टिंग का जो PDF का पेज देखेंगे जिसमें रिजल्ट दिया हुआ है,
ये तो सिर्फ पोजीशंस का है, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके बड़े अच्छे अच्छे इंडिविजुअल मार्क्स अकाउंट्स में हैं, बहुत बहुत बड़ी डिटेल है, और वो कैसे अचीव होते हैं, वो कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट कब मिलता है, जब उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, उन्हें ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है, तभी वो रिजल्ट आता है। तो हो सकता है कुछ और, कुछ सिर्फ मैं ही अच्छा नहीं पढ़ाता, और भी कहीं पढ़ा रहे हैं, मगर बहुत कम लोग हैं। और रिज़ल्ट की अगर बात करेंगे तो हम रिज़ल्ट पर ही फोकस करते हैं, सो दैट कि जब आप में से कई बच्चे अकाउंट असिस्टेंट क्लियर करेंगे तो आई विल फील ग्लैड कि उन बच्चों का भी नाम मैं लिख पाऊँ कि ये भी बच्चे हमसे पढ़े थे और इन लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट में अच्छे मार्क्स लिए हैं। ओके, तो कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। वो इंटरनल लायबिलिटी क्यों है, तो इंटरनल लायबिलिटी क्या, क्योंकि जो दुकान और दुकानदार दोनों का अलग अलग वजूद है। जब दुकानदार बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो दुकान की ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है दुकानदार को पैसा लौटाना, और ये इंटरनल घर की बात है, लायबिलिटी है दुकान की दुकानदार के प्रति। किसकी लायबिलिटी है, दुकान की लायबिलिटी है, मगर किसके प्रति, दुकानदार के प्रति है, सो इट इज इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या आ गया, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स विड्रॉ की जाएंगी उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज, कोई गुड्स बेची उसके अगेंस्ट हमने जो अमाउंट हमें मिलेगा वो कौन सी रिसिट होती है, इट इज रेवेन्यू रिसिट। मैंने रिसिट को भी आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ है, समझाया हुआ है, दो प्रकार की रिसिट्स होती हैं, कैपिटल रिसिट्स होती है, रेवेन्यू रिसिट होती है, और उसमें ये भी बताया था कि रिसिट्स क्या होती हैं, तो इट इज रेवेन्यू रिसिट। क्वेश्चन नंबर 56, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज, तुमने जब गुड्स खरीदेंगे तो वो जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो 56 का भी आंसर ए पार्ट आ जाएगा। गुडविल इज, गुडविल क्या है, गुडविल इज क्या, गुडविल टेंजिबल एसेट है, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। तो सबसे पहले टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल फॉर्म है, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, उन्हें इंटेंजिबल कहते हैं। सो गुडविल इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट सी द गुडविल, हम किसी बिजनेस के गुडविल को उसका, क्योंकि कोई आकार, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो हियर आंसर इज टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 में क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, खर्चा तो रेवेन्यू नेचर का ही है बट इसका बेनिफिट एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए होता है, उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें तो ऊपर जो लिखा है आंसर क्वेश्चन में ही है, लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है बट इसका बेनिफिट एक ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज़ नॉट इन रेवेन्यू नेचर, तो वो तो होगा ही नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ उसका बेनिफिट एक साल के लिए होता है, तो व्हाट इट मीन्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये रेवेन्यू इन नेचर होता है, रेवेन्यू खर्चे की तरह ही होता है जो इनकर किया जाता है किसी अकाउंटिंग पीरियड में, मगर इसका बेनिफिट जो होता है वो हम फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर्स में, पीरियड्स में ड्राइव करते हैं। ये वो खर्चे होते हैं यूजली जो लार्ज इन अमाउंट होते हैं, लार्ज इन अमाउंट होंगे अगर हम सेम अकाउंटिंग ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इन दैट ईयर बिजनेस लॉस रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि इनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर इनका जो बेनिफिट होता है वो सेम ईयर में नहीं मिलता, और इसका जो बेनिफिट होता है आर नॉट कंज्यूम्ड
और नॉट ड्राइव्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. तो सेम ईयर में इसका बेनिफिट नहीं मिलता. जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होगा तो उसका बेनिफिट किसी, जैसे कोका कोला, तो ऐड आती थी ठंडा, मतलब जो ठंडा बोले तो क्या आ गया, तो उसमें क्या गया कि उन्होंने लोगों का एक इतनी सारा एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया था. आज भी हम ठंडा बोले तो मेरे ख्याल से वही ऐड थी ना, ठंडा बोले तो कोको कोला. तो अगर किसी ने ठंडा पीना है तो इट मीन्स इट इज़ नथिंग एल्स बट कोको कोला. तो इसमें क्या कहा कि इतनी सारा एडवर्टीजमेंट की थी उन्होंने एट दैट टाइम कि लोगों के जहन में एक ही चीज़ आ गई थी. और मगर जो उसका बेनिफिट था कोल्ड ड्रिंक का, वो सिर्फ यही नहीं था कि उस ऐड की वजह से लोगों ने सिर्फ एक ही साल जो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया था, उसका बेनिफिट आने वाले 2, 3, 4, 5 साल तक. अगर मैं आज को एडवर्टीजमेंट करता हूँ अपने सेंटर की, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आज ही बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, इसी ईयर पढ़ने के लिए आएगा. हो सकता है कि कोई स्टूडेंट राइट नाउ इज इन 10th स्टैंडर्ड, उसने मेरे रिजल्ट्स को देखा और 10th में उसने डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर 10th आई विल ऑप्ट फॉर कॉमर्स, और अगर मैं कॉमर्स ऑप्ट करता हूँ देन आई विल गो टू द ऑरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, मैं ऑरेकल में जाऊँगा पढ़ने के लिए. मैंने एडवर्टीजमेंट आज से 2 साल पहले की, बट बेनिफिट मुझे कब मिला, 2 साल के बाद भी मेरे पास जो कैंडिडेट्स, मेरे पास कस्टमर्स आते रहे. तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या किया जाता है कि यूजुअली ये 5 ईयर्स में इसको बांट दिया जाता है इसका बेनिफिट को. तो 1/5 5 ईयर्स मीन्स हर साल 3 to 5 ईयर्स होता है, हर साल 1/5 हिस्सा. एक जैसे आ गया किसी ने 1 करोड़ एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया, तो 1/5 इसका किया 20 लाख, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 करोड़ का 1/5 मीन्स 20 लाख खर्चा शो किया, और हर साल 20 लाख प्रॉफिट लॉस में खर्चा शो किया. अगर सेम ईयर में वो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देंगे, खर्च में 1 करोड़ लिख देंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा सेम ईयर का वो कम शो हो या लॉस शो हो जाए. तो इसलिए हर साल 20-20 लाख बांट दिया जाता है. तो जैसे पहले साल 1 करोड़ रुपीस खर्च किया था, 20 लाख चला गया प्रॉफिट लॉस में, बाकी का जो पैसा है वो बैलेंस शीट में अंडर द हेड एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में शो किया जाता है. ठीक है, बाकी जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे लेटर पार्ट में, प्रैक्टिकल भी जब यूज़ किया जाएगा कैसा होगा, तब आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हियर ऑप्शन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन इज 59th. A person who owes money to a firm against goods sold is called a. तो person जिसने पैसा देना है firm को, हमने उनको goods बेची और उसने हमको पैसा देना है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, debtor. Debtor वो person है जिनको हमने goods बेची होती है और उनसे इसके बदले में पैसा लेना होता है. Question number 60. A person to whom money is owed, जिसको हमने पैसा देना होता है, हमने उनसे को गुड्स खरीदी होंगी और उसके बदले में हमने जिनको पैसा देना होता है उन्हें हम क्रेडिटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ. परचेज क्या होती है, हम कब वर्ड परचेज यूज करते हैं, जब हमने गुड्स खरीदी होंगी रीसेल के लिए. तो जब हमने बेचने के लिए गुड्स खरीदी हैं तब हम गुड्स को जब खरीदते हैं तब हम वर्ड परचेज यूज करते हैं. हमने स्टेशनरी खरीदी ऑफिस के लिए, ये परचेज नहीं हो, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी है, मगर ये हमने कंजम्पशन के लिए है, ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी. तो जो ऑफिस यूज़ के लिए अगर स्टेशनरी ली है वो एक्सपेंस होगा. अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मैंने स्टेशनरी खरीदी है, वो स्टेशनरी मैंने बेचने के लिए खरीदी होगी, देन उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे. एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, अगर उनके एसेट्स खरीदे होंगे परचेज किए होंगे तो उनके लिए वर्ड हम परचेज नहीं लिखते, हम अपनी बुक्स में एसेट्स का नाम लिखेंगे. सो हियर ऑप्शन इज गुड्स फॉर रीसेल. मैंने बेसिक्स लेक्चर्स में
गुड्स का कंसेप्ट और एसेट्स का कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताया है, और मैंने तब इम्पॉर्टेंट बोला था, तो ये वही कंसेप्ट का पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अ लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ। लाइबिलिटी कैसे जनरेट होगी? मैंने अगर कैश पर कोई चीज़ खरीदी होगी, लाइबिलिटी थोड़ा बनेगी, मैंने सामान खरीदा, पैसा दे दिया। हाँ, अगर मैं कोई चीज़ उधार पर खरीदता हूँ, देन अब वो मेरे लिए बोझ बन जाएगा, मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी उसको पे ऑफ करना। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से लाइबिलिटीज जनरेट होती है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड। तो प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम कैपिटल कहते हैं। 64th, अगेन अकाउंटिंग कंसेप्ट आ जाएगा इसमें, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, बेसिक्स चीज़ें। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या जाता है हमारे पास? तो इसमें क्या लिखा है? स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक किस पर वैल्यू किया जाता है। जो कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, कंसेप्ट है, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि हमने जो अपना जो लॉसेस, हमें कोई भी, हमें लगता है कि दूर से भी लगता है कि ये लॉस हो सकता है, ठीक है, हमें कुछ ऐसे लगता है, एक्चुअल में लॉस नहीं है, बट अगर हमें लगता है कि इससे लॉस हो सकता है तो हम उसे अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेंगे। बट रेवेन्यू को कब हम अकाउंट फॉर करेंगे, कब अपने बुक्स में शो करेंगे? जब वो एक्चुअल में ड्यू हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट में क्या जाता है कि जो स्टॉक होता है, इट शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। ए पार्ट, तो ए पार्ट आ जाएगा। वो क्यों? मेरे पास, मैंने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदी हुई हैं, मैंने 10,000 रुपी का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैंने 10,000 रुपीज़ की खरीदी है, तो कॉस्ट इज 10,000। बट आज वो मेरा स्टॉक बिका नहीं, मैं सेल नहीं कर पाया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, उसके बाद नया कोई और उससे बेहतर मार्केट में कोई और प्रोडक्ट आ गया, तो जिस वजह से जो मेरी अपनी खरीद थी 10,000 की, वो अब सेम प्रोडक्ट का अगर मैं बेचूंगा तो कस्टमर कहेगा कि नया प्रोडक्ट इससे जो बेटर है वो 11,000 का मिल रहा है, तो हम 10,000 क्यों खर्च करें? 10,000 तक खर्च करें तो 1,000 और खर्च करेंगे, हम वही ले लेते हैं। तो कहेंगे कि भाई हम ये तभी खरीदेंगे अगर 7-8 हज़ार तक कम मिलेगा। मोबाइल की बात आप ले लीजिए इसमें। तो अब मैं इसको किस पर वैल्यू करूँगा? कॉस्ट मेरी 10,000 थी, बट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ नॉट 10,000, रियलाइजेबल वैल्यू इज 7,000। तो मेरे को किस रेट पर शो करना होगा अपनी बुक्स में कि जो दोनों में से वैल्यू कम है, एक्चुअल में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? वेदर आई एम गोइंग टू गेट 10,000 और 7,000, आई एम गोइंग टू गेट ओनली रुपीज 7,000, तो मेरे को सिर्फ 7,000 मिलेगा। सो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। 65th, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट इज अमाउंट ओवरड्रॉन, एक कैश क्रेडिट लिमिट होती है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बैंक लोन। अगेन मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको भी समझाया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, कि मेरा बैंक में करंट अकाउंट चल रहा है, और ये ज़्यादातर जो सीसी लिमिट बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट होती है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैंक लोन, ये बिजनेसमैन को ही मिलती है, जो आम पर्सन, जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको अवेल नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरी लिमिट है, लिमिट का मतलब आ जाएगा कि आई कैन नॉट विड्रॉ मनी बियॉन्ड दैट लिमिट विदाउट द परमिशन। मेरे पास जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ की है, मैं 10 लाख तक का बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है जी। मेरा बैंक में रसूख अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, तो मैंने ऑलरेडी अभी तक 10 लाख रुपया बैंक से यूज़ जो लिया हुआ यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को इमिजिएट ज़रूरत पड़ती है 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 1 लाख मोर कि 11, मेरे को 1 लाख रुपया पेमेंट किसी और को करनी है, तो मैं बैंक मैनेजर को अप्रोच कर सकता हूँ, रेपुटेशन है अच्छी है, उनको कहता हूँ कि भाई आई नीड दिस मच मनी ओनली फॉर 6 डेज, मेरे को पेमेंट आनी थी बट किसी वजह से पेमेंट नहीं आ पा रही है, मेरे को पेमेंट आउट ऑफ जम्मू आनी थी, आउट ऑफ J&K आना था, बट लॉकडाउन हो गया है, परिस्थितियाँ कुछ डिफरेंट हो गई हैं, कश्मीर से पेमेंट आनी थी बट रास्ते बंद हो गए हैं,
तो किसी वजह से पेमेंट नहीं आ पाई, हफ्ते तक आ जाएगी, तो आई नीड सम मनी। तो बैंक मैनेजर कैन अलाउ मी टू ओवरड्रा बियॉन्ड दैट लिमिट। तो 1,00,000 रुपया मेरे को अलो कर सकते हैं, मैं और ओवरड्रा कर सकता हूँ अपने अकाउंट से। सो वो मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ज़्यादा बहुत लंबे टर्म के लिए नहीं होता। तो इसलिए इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वाई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेड विद इन 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑल दिस लाइबिलिटीज विच आर टू बी रिपेड विद इन 12 मंथ्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं है? तो सब पढ़ देंगे, तो इसमें सी पार्ट जो है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सिंपल है, सारा डिस्कस नहीं कर रहा इसको मैं आपसे, आप कर लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो आप पुट फोर्थ द डाउट। 67th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट, बैलेंस विद बैंक इज नॉट अ फिक्स एसेट, ये करंट एसेट होता है। 68th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं? क्रेडिटर्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। टर्म लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, कैपिटल भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अभी तक आपने ये पढ़ा नहीं होगा, आपको मैंने समझाया नहीं होगा। डिबेंचर्स को हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कंपनीज जो होती हैं, तो एक सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, कंपनीज भी होती हैं, तो कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसमें क्या जाता है कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं, सॉर्ट ऑफ उधार ही होता है, तो हम एज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट उनको रिटर्न फॉर्म में कुछ प्रूफ देते हैं, कोई रिटर्न फॉर्म में उनको, हमको मटेरियल जो भी आ जाएगा प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। सो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गुड्स, 69th क्वेश्चन, कौन सी गुड्स होंगी? मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, हमने मशीन्स बनाई हैं बेचने के लिए, तो हमारा बिजनेस मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करने का है, सो दीज आर गुड्स। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, मेरी फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, माय गुड्स। बुक्स और स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, दुकानदार है किताबों वाला, उसने बुक्स खरीदी हैं बेचने के लिए खरीदी हैं, तो ये भी गुड्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, कौन सा एसेट है? मशीनरी इज एन एसेट, परचेज सेलर रिटर्न नहीं है, तो आंसर इज ए पार्ट, मशीनरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, दोनों में से कौन सी लाइबिलिटी, इन सब में से रेंट पेबल इज द लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है, स्टॉक भी एसेट है, तो रेंट पेबल इज अ लाइबिलिटी। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू है? तो सेल्स इज अ रेवेन्यू, सेल्स हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, कौन एक्सपेंस नहीं? फर्नीचर एसेट है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है, सो योर आंसर शुड बी फर्नीचर, तो फर्नीचर इज अ एक्सपेंस, ठीक है जी। तो आज हम 73 तक ही MCQs करते हैं, तो अभी भी बहुत दूर है मंजिल, अभी तक आपको मैंने 2 to 5, अभी तो थोड़ा सा हिस्सा ही अभी मैंने MCQs का भी आपको सेंड किया है, तो अगर आप इन MCQs को अच्छे ढंग से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और आपने ऑलरेडी जो MCQs सॉल्व कर लिए हुए हैं, आप इसके साथ टैली करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मुझे बता दीजिए कि आउट ऑफ जितने भी आज हमने MCQs किए हैं, 25 से लेकर 73 तक हमने MCQs किए हैं, कोई अप्रॉक्सीमेटली 47-48 MCQs किए होंगे, तो इसमें से आप अपना स्कोर भी साथ में मेरे को लिखकर बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम भी आपका स्ट्राइक रेट आता है तो कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट या क्विज आपसे आगे मैं कंडक्ट करूँगा, तो तब आपका जो स्कोरिंग रेट वो हाई होना चाहिए,
अभी तो फर्स्ट टाइम है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो हम और बेहतर करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू है, मेंशन नोट, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।